ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من, من البلدان इन आयात का तर्जमा यह है क्या पैगम्बर लोग तुमसे औरतों के बारे में शरीय का हुक्म पूछते हैं कह दो कि अल्लाह तुमको उनके बारे में हुक्म बताता है और इस किताब यानि क़ुरान की जो आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो भी इन यतीम औरतों के बारे में हुक्म बताती हैं उन यतीम औरतों के बारे में हुक्म बताती हैं जिनको तुम उनका मुकर्रर शुदा हक़ नहीं देते और उनसे निकाह करना भी चाहते हो नीज़ कमज़ोर बच्चों के बारे में भी यह हुक्म बताती हैं और ताकीद करती हैं कि तुम यतीमों की खातिर इंसाफ़ कायम करो और तुम जो भलाई का काम करोगे अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म है इस आयत करीमा का पस मंज़र यह है कि इस्लाम से पहले औरतों को माशरे में एक कमतर मखलूक़ समझा जाता था और उनके माशरती और माशी हकूक न होने के बराबर थे जब शुर नस्ाहा के आगाज़ में अल्लाह तबारक ताली औरतों के हकूक़ अदा करने की ताक़ीद फरमाई और औरतों को भी मीराश में हिस्सेदार करार दिया तो ये बात अरबों के माशरे में बहुत अचंभी थी कि औरत भी वारिस हो सकती है या ये कि औरत को माह देना ज़रूरी है या ये कि चार औरतों से ज़्यादा निकाह करना नाजायज है तो इस कस्म के जो हुकूक अल्लाह तबारक व ताली ने ख़ात को अता फ़रमाए वो अहल अरब के नुक़ः नज़र से बिल्कुल नामानूस थे तो जब शुरू में यह हकूक़ अदा करने की ताक़ीद फरमाई गई और उसके मुताबिक आयात नाजिल हुई तो उस वक्त बाद लोग ये समझते रहे कि औरतों को जो हकूक़ दिए गए हैं वो शायद आर्जी नौीयत के हैं और किसी वक्त मनसूख हो जाएँगे यानी उनके तस्वुर से ये बात बाहर थी कि औरतों को यह हकूक़ हमेशा हमेशा के लिए दिए जाएँ तो वो समझते थे कि शायद कुछ आर्जी वजह से यह अहकाम आ गए हैं और किसी वक्त मनसूख हो जाएंगे लेकिन जब उनके मनसूखी का हुक्म नहीं आया तो ऐसे हज़रा ने सरकार से पूछा कि औरतों के बारे में क्या हुक्म है और क़ुरान करीम के जो आयत पहले नाजिल हुई हैं उनमें बहुत से ऐसे अहकाम आ चुके थे इसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसी मुनासिबत से ख़ुतिन से मुतक़ कुछ और मज़ीद आह भी अता फ़रमाए जिसमें जिनकी वजह से अरबों में और अरब के माशरों में कोताहियाँ पाई जाती थी तो पहले तो आयत शुरू हुई है इस तरह के का फिन काफिनसा ए पैगम्बर लोग तुमसे औरतों के बारे में शरीयत का हुक्म पूछते हैं तो तुम कह दो कि अल्लाह तुमको इनके बारे में हुक्म बताता है वो मा युतला आल कुम्फिल किताबियता और इस किताब यानी कुरान की जो आयतें जो तुमको पढ़कर सुनाई जाती हैं वो भी उन यतीम औरतों के बारे में शरीय हुक्म बताती हैं जिनको तुम उनका मुकर्रशुदा हक नहीं देते अल्लाह ती लातू न हन न माकुती बला हन तुम नहीं देते उनको वो हकूक़ जो अल्लाह ने उनके लिए फ़र्ज़ किए हैं वह तरगबू हुन और साथ साथ ये भी चाहते हो कि उनके साथ निकाह कर लो निकाह करना भी चाहते हो और जो उनके हकूक़ रखे हैं वो देने से इनकार भी करते हो या देने को बुरा समझते हो इन इस हदायत में अल्लाह ताला ने सूरह सा की आयत नंबर तीन में जो तफसील गुजरी है उसी का मज़ीद बयान अल्लाह अल्ला ने इस आयत में किया है सही बुखारी की एक सही हदीस में हजरत आयशा से ने इस हिदायत का पस मंज़र ये बताया है कि बाद औकात एक यतीम लड़की जिसके बाप का इंतकाल हो चुका अपने चचाजाद भाई की विलायत में होती थी शरीयत में सूरत हाल ये होती है कि अगर बाप ना हो तो भाई भाई ना हो तो चचा और चचा भी ना हो तो फिर चचा का बेटा ये यतीम का वली समझा जाता है तो बाद अवत ऐसा होता था कि कोई यतीम लड़की है और उसका सरपरस्त और वली ख़ुद उसका चचाजात भाई है वो ख़ूबसूरत भी होती लड़की और उसके बाप का छोड़ा हुआ माल भी अच्छा खासा होता इस सूरत में उसका चचाजाद ये चाहता था कि बालिग होने पर वो खुद उससे निकाह कर ले एक तरफ लड़की खूबसूरत भी है माल भी उसका अच्छा खासा है तो इस वजह से निकाह करना चाहता था ताकि उसका माल बड़े होने के बाद भी इसी के तस् में रहे वैसे शोहर के लेकिन निकाह में वो उसको इतना मेहर नहीं देता था जितना उस जैसी लड़की को देना चाहिए तो होता ही था खुद ही वली है उस लड़की का तो मेहर ऐसा मुकर कर लिया जो मामूली सा मेहर है और निकाह भी कर लिया निकाह बीवी भी, भी, भी हो गई और उसके साथ उसका माल भी इसके ज़ैर तसरुफ आ गया वैसे शोर होने के और महर कुछ घास देना पड़ा ये नाानसाफ़ी हुआ करती थी जो हज़रत आयशा से दिकर रजी अल्लाह तन नरमाइया उसी का दूसरा पहलू ये भी था कि अगर लड़की ज़्यादा खूबसूरत ना होती तो उसके माल की लालच में यानी खूबसूरत तो नहीं है लेकिन माल अच्छा कहा वो उसके वालिद छोड़ कर गए हैं उसके लिए तो माल की लालच में उससे निकाह तो कर लेता था लेकिन चूँकि सिर्फ़ माल की लालच में निकाह किया है उसके हसन से कोई तासुर नहीं है तो ख़ास मोहब्बत भी कभी इजहार नहीं होता और ना महर पूरा दिया जाता है न उसके एक बीवी के जैसे हक़ूक़ हो, जैसे होने चाहिए वो उसको दे दिए जाते हैं तो अल्लाह तबारक वाली ने इस तमाम सूरत हाल के ऊपर नकल फरमाई और सुर निसा की आयत नंबर तीन में भी ये फरमाया गया था कि अगर तुम इन ख़ैम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर इनसे निकाह ना करो दूसरी औरतों से निकाह कर लो और अगर इनसे निकाह करना है तो फिर उनका हक हाँ, उनको पूरा पूरा हाँ दो चुनाच फरमाया कि यायूत आलकिलक़िताबिल्नसा अल्लातून तो माखुतिबल हन अल्लाह ताला ये हिदायत दे रहे हैं उन यतीम लड़कियों के लिए के हक़ में कि जिनको तुम उनका हक नहीं दे रहे और उसके बावजूद उनसे निकाह करना चाहते हो